विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर नाराज विस्थापित परिवार संघ एवं जिला पंचायत सदस्य ने धरना देने की चेतावनी दी है। संघ की मांग है कि विस्थापित परिवारों के लिए निशुल्क शिक्षा, कॉपी किताब और इलाज मुहैया कराया जाए। सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल के विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर विस्थापित परिवार संघ एवं जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह के नेतृत्व में एनटीपीसी विंध्याचल के विस्थापितों की मूलभूत समस्याओं को लेकर धरना दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में विस्थापित परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कॉपी किताब और इलाज उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही निःशुल्क नल कनेक्शन और मुफ्त बिजली की भी मांग की गई है। धरने की जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह ने कहा कि हमारी मांगों को नहीं मांगे जाने पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर एनटीपीसी गेट को जाम कर कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। एनटीपीसी विंध्याचल विस्थापितों की जगह जमीन, घर, पेड़ पौधे, मकान सब भोजन करके अधिग्रहित कर लिया। उसके बदले में एनटीपीसी प्रबंधक, जिला प्रशासन और विस्थापित जो 22 ग्राम पंचायत के लोग थे उस समय, जुड़ी जुवाड़ी शाहपुर चुटुड़िया वहाँ के निवासियों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इकरनामा बना, उसमें तो नोटिस मिला था। उस नोटिस के पीछे भी लिखा हुआ था बिजली, पानी, सड़क, खेल मैदान, चिकित्सालय के अंदर एनटीपीसी जो अपने एम्प्लाइयों को देती है मेडिकल की सुविधा वो भी देंगे। डीएवी डिपॉल जैसे विद्यालयों के अंदर जो बच्चों को एनटीपीसी बच्चे पढ़ते हैं उनको उस क्राइटेरिया के अंदर पढ़ाएंगे। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी आज एनटीपीसी के द्वारा जो पुनर्वास कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 से 4 के बीच में नजूर बिहार के अंदर वार्ड नंबर 32-33 में विस्थापितों को बसाया, आज एनटीपीसी विस्थापित भाइयों को विस्थापित नहीं मान रही है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ यह बात हम लोगों को कहना पड़ रहा है। आज पत्रकार वार्ता करके जिला प्रशासन का सारा नुमाइंदा, जिला कलेक्टर से लेकर के जिला एसपी से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस के अफसर, चाहे छोटे तबके के अधिकारी हो चाहे बड़े तबके के अधिकारी, सारे लोग एनटीपीसी कैंपस के अंदर रहने के बावजूद भी आज जो मूल विस्थापित है जिनकी जगह जमीन घर लेकर के एनटीपीसी पावर प्लांट बसा और पावर प्लांट का चिमनी का धुआं निकलना उन परिवारों को भूल गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।